दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मनसा देवी पैदल मार्ग के पास खड़ा हूँ और आज मैं पैदल यात्रा करने वाला हूँ, तो आप सभी को लेकर चलते हैं हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी मंदिर में। आप सभी को दर्शन कराएंगे और पैदल यात्रा की सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं और मनसा देवी मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। काफ़ी दिन के बाद मैं मनसा देवी मंदिर की यात्रा कर रहा हूं, तो आप सभी को दर्शन भी कराएंगे और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दर्शन भी कराएंगे आप सभी को माँ मनसा देवी के। और बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो ये यात्रा हमारी बारिश के बीच में होने वाली है। बारिश भी होती रहेगी और यात्रा होती रहेगी। शुरू में आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिलेगी। शुरू की जो चढ़ाई है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे ठीक ठाक रहेगी। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद इस तरफ से हमने यात्रा शुरू की है। पहले भी पैदल यात्रा की है, लेकिन काफ़ी दूर हमने बाइक से तय किया है और उसके बाद पैदल गए हैं। दोस्तों शुरू की जो चढ़ाई है थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद खड़ी चढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों पिछले दो तीन दिन से हरिद्वार का जो मौसम है एकदम से चेंज हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। लगभग अभी तक 80-90 सीढ़ियों के आसपास हम चढ़ाई चढ़ चुके होंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज से 8-10 साल पहले लगभग 15 मिनट में ये चढ़ाई मैं पूरी कर लेता था, लेकिन अब जो है लगभग आधे घंटा के आसपास टाइम लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश इस समय हो रही है, तो श्रद्धालु जो है रुक चुके हैं। शुरू की चढ़ाई आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग की लगभग जो 200 सीढ़ियां हैं वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई पड़ेगी आपको। दोस्तों अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश या चार धाम यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि मनसा देवी की जो न्यू वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। दोस्तों मनसा देवी मंदिर की जो पहला पड़ाव है वो हमने पार कर लिया है और जैसे ही आप खड़ी चढ़ाई पूरी होगी आपको एक रोड मिलेगी, तो उस रोड में थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं, थोड़ा सा प्लेन मिलेगा और उसके बाद फिर से चढ़ाई चढ़नी होगी। तो जो पहला पड़ाव है वो थोड़ा सा मुश्किल है और जिसमें लगभग 200 सीढ़ियां आपको मिलेंगी और टोटल सीढ़ियों की बात करें तो लास्ट तक लगभग 800-900 सीढ़ियां हैं। हालांकि थोड़ी थकावट भी हो चुकी है, तो आइए चलते हैं। सेकेंड जो यात्रा का पड़ाव है उसको पार करते हैं। दोस्तों ये पहले पड़ाव के दृश्य हैं, यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं। और अब चलते हैं यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और सबसे मुश्किल ये हो गया कि आज बारिश हो रही है, हालांकि गर्मी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चढ़ाई आपको चढ़नी पड़े तो गर्मी अपने आप ही हो जाती है।
यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जो यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों जो सेकंड पड़ाव है उसमें भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। लगभग 10 साल पहले मैं पैदल आया था, इस वजह से मैं भूल चुका था कि जो सेकंड पड़ाव है उसमें भी काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप सभी हरिद्वार का व्यू देख सकते हैं। हरिद्वार के सुंदर नज़ारे आपको यहाँ से नज़र आएंगे। सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है इसमें चंडी देवी मंदिर है। सर तुम्हारी राशि का होता है, देखो कैसे गुलाबी आता है। दोस्तों मनसा देवी पैदल मार्ग का जो यात्रा का सेकंड पड़ाव है वो पार हो चुका है। तो बीच बीच में छोटे छोटे आपको पड़ाव मिलते जाएंगे जिसमें कुछ देर आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा प्लेन रास्ता है तो जिससे आपकी थकावट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दोस्तों मनसा देवी मंदिर की यात्रा जो है हमने 11:15 बजे के आसपास शुरू की थी और 11:30 बज चुके हैं और लगभग 300-400 सीढ़ियां हमने चढ़ ली है, तो अभी 400-500 सीढ़ियां और चढ़नी होगी। ये धागा ले लो मनोकामना का, वहीं पेड़ में बांधा जाएगा, परिवार की सुख शांति के लिए, कोई नौकरी के लिए बांधा जाता है। तो दोस्तों लगभग 450-500 सीढ़ियों की जो यात्रा है वो हो चुकी है, आधा सफर हो चुका है और आधा सफर अभी और करना है। नींबू सिकंदर के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अब बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, तो अभी हमारे पास समय है, जल्दी जल्दी यात्रा पूरी कर ले। दोस्तों ये जो यात्रा आप सभी देख रहे हैं ये 15 सितंबर की है और 15 सितंबर के दिन काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु देख सकते हैं मंदिर में पहुंच रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं, तो आप सुंदर दृश्य देख सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। लगभग 10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे, फिर आप सभी को मां मनसा देवी के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाकर हमने तो लगभग अपना पूरा काम कर दिया है, लेकिन अब आपके हाथ में है, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। दोस्तों लगभग 60-70% जो यात्रा है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी 30% के आसपास सभी यात्रा और बची होगी, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। रास्ते में आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, तो अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जो सूज हैं
चप्पलें हैं इसी दुकान में रख सकते हैं। अभी लगभग 200 के आसपास जो सीढ़ियां हैं अभी हमें और चलना होगा, तो आइए चलते हैं। दोस्तों फाइनली मंदिर नजर आने लगा है, आप देख सकते हैं ये मनसा देवी मंदिर है जहां की यात्रा हमने शुरू की थी, तो कुछ देर में दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों मंदिर के करीब हम पहुंच चुके हैं और ये रहा गेट। इस गेट से जब एंट्री करेंगे तो आप मनसा देवी मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, तो लगभग 20-30 सीढ़ियां और चढ़नी होगी और उसके बाद जो पैदल यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। आप सभी को मां मनसा देवी के दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचेंगे तो राइट हैंड में जो मार्ग आपको दिखेगा वो रोपवे का मार्ग है, रोपवे से लोग आते हैं। ये देख सकते हैं अगर आप रोपवे से आएंगे तो यहाँ से निकलेंगे बाहर। दोस्तों मनसा देवी मंदिर की जो यात्रा है वो मैंने 15 सितंबर को की थी और 11:15 बजे के आसपास हमने यात्रा की थी और लगभग 25 से 27 मिनट हमें इस यात्रा में लगे और अब हम मंदिर परिसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कई दुकानें हैं, अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो दर्शन करने के बाद आराम से नाश्ता कर सकते हैं। प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, प्रसाद अगर आपने नीचे से लेकर नहीं आए हैं तो आप यहां पर ले सकते हैं। यहां पर निःशुल्क जूता स्टॉल है, तो यहां पर अपने जूते चप्पल आसानी से आप यहां पर रख सकते हैं और कुछ ही देर में जो मेन मंदिर का प्रवेश द्वार है उसमें हम चलेंगे और दर्शन कराएंगे आप सभी को। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है ताकि जो लोग मनसा देवी मंदिर आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सके। और 16 सितंबर के दिन ये आप सभी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि 15 सितंबर को फिर एडिट करने में काफ़ी समय लगा। तो अब चलते हैं जो मेन मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट। आप सभी कमेंट में जय मनसा देवी, जय माता दी जरूर लिखें। देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। अभी जो मेन मंदिर है वो थोड़ा सा दूरी में है, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा। जब तक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स को जय माता दी जय मनसा देवी से भर दें, लगातार कमेंट करते रहें। मौसम ठंडा था, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद इतना ज़्यादा पसीना आया है। देख सकते हैं मेरे बैक साइड में कितने ज़्यादा श्रद्धालु खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंदिर पहुँचे और मनसा देवी के दर्शन करें। तो यहाँ पर मनसा देवी मंदिर के पास चरण पादुका स्थल है, ये जो पंडित जी यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर चरण पादुका है, तो यहाँ पर आप दर्शन करें। ये देख सकते हैं ये चरण पादुका स्थल है, काफी ज्यादा मंदिर में भीड़ है। और मनसा देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी भी समय अगर आप आएंगे तो भीड़ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर है हवन कुंड जहाँ पर अगरबत्ती और हवन सामग्री इस कुंड में आप डाल सकते हैं। दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अब आप सभी हो जाएं तैयार मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, तो यहां पर आप सभी मां मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। और जितनी बार भी मैंने मनसा देवी मंदिर की वीडियो बनाई है तो आप लोगों को दर्शन जरूर कराया है। मां मनसा देवी का इतना आशीर्वाद है कि मैं आपको दर्शन करा ही देता हूं, जबकि यहां पर वीडियोग्राफी ऐसा कुछ अलाउ नहीं है,
लेकिन दर्शन हो ही जाते हैं, आप सभी भी दर्शन कर लेते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं। और ये वो स्थान है जहां पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं, मनोकामना का धागा आप यहां पर बांध सकते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो धागा खोलना जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं चामुंडा माता का मंदिर है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो गेट आप सभी देख रहे हैं, इस गेट से श्रद्धालु दर्शन करके वापस आते हैं, और सामने जैसे ही देखेंगे तो चामुंडा जी का मंदिर दिखेगा, और यहाँ पर है श्री बजरंगबली भगवान का मंदिर, यहाँ पर है महादेव का मंदिर। तो आप सभी इन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर वैष्णो माता जी का भी एक सुंदर सा मंदिर है, तो आप सभी को वहाँ पर ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं। गरुण वाहिनी माँ वैष्णो देवी का मंदिर, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर श्री काल भैरव जी का मंदिर है, तो आप दर्शन करें। ये है सुंदर सा मनसा देवी मंदिर का जो परिसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मनसा देवी मंदिर जो पैदल मार्ग है उसको भी आपने देख लिया होगा, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, रुक रुक कर यात्रा करें अगर आपकी सांस फूलती है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कितना भी रुकेंगे 15-20 मिनट और फालतू लग जाएगा, लेकिन यात्रा सही से हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश की और वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।